हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज बहुत टाइम बाद हम लोग देखने वाले हैं खेसारी लाल भैया का एक स्टेज शो फ्रॉम द चैनल दबंग म्यूजिक चैनल से। खेसारी लाल स्टेज शो ये क्या है, नभिडा बाजार झारखंड। ओके, झारखंड में हुआ है इनका स्टेज शो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विष्णुपुर पंचायत के मुखिया जीतू बाबू की तरफ से बहुत पुरस्कार, भगवान से प्रार्थना शुभकामना खाती। तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और ये आप सभी का मोहब्बत है, प्यार है। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये कौन ऐसा आदमी है यार, ये ड्रामा बना के रखे हो क्या? हेलो, ये किसने इतना मारा अभी इधर से? हेलो, पत्थर। उस लड़की का सर फट गया। कोई कलाकार आता है आप लोगों के बीच में तो आप लोगों को थोड़ा भी तमीज नहीं है? किसी का भी यार कार्यक्रम होता है, आपसे हम प्यार करते हैं इसलिए हम आपके पास आते हैं, नहीं तो हमें भी अपने घर में सुरक्षित बैठना आता है। हम लोग सिनेमा करके भी दो पैसे कमा लेते हैं, गाना गा के भी दो पैसे कमा लेते हैं। हद तो हो गई यार, क्या मतलब, क्या बदतमीज ऑडियंस है। आपके नजदीक चलाएगा कोई, उसको उसको देखिए बैंडेज करवाई कहीं, अगर तत्काल में कुछ है तो देखिए, तो उसको बहुत ज्यादा लगा, उसको हॉस्पिटल ले जाइए। क्या बदतमीज है यार, कलाकार कलाकार होता है, कलाकार प्यार करने की चीज होता है। अभी सिचुएशन में कोई कैसे गाना गाएगा? थोड़ा सा ज्ञान और आपको पता है इस कार्यक्रम को कराने में कितना मुश्किल हुआ है। और ये कार्यक्रम मुखिया जी अपने लिए नहीं कराए, आप सबके प्यार के लिए कराए, ताकि आप खेसारी को फेस टू फेस देख सको, खेसारी को सुन सको। और मैं भी उसी के लिए आया हूँ, ताकि मैं आप सबका मनोरंजन कराऊं, आप सबसे प्यार करके जाऊं, आपका प्यार लेकर जाऊं। ऐसे नहीं, मैं इस कार्यक्रम को करने के लिए दो रात से सोया नहीं हूँ, ताकि किसी का नुकसान भी नहीं हो और मैं आप सबका मनोरंजन भी करा सकूं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। कैसे कैसे टाइम निकाल कर आप सबका आशीर्वाद लेने हम आते हैं। और आप लोग इस टाइप की, आप सब नहीं कर रहे, कोई एक ही कर रहा है, लेकिन एक आदमी पूरे फंक्शन को बिगाड़ कर छोड़ देगा। तो जो भी ये कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके घर में भी कभी फंक्शन होगा, अभी किसी बेटी के बाप बनोगे आपके दरवाजे पे भी बारात आएगी। अगर उस समय ऐसी हरकत हुई तो आपको कैसा लगेगा? आप पे क्या गुजरेगी, आप इतना बता दो मुझे। उस बच्ची का सर फट गया। थोड़ा सा भी तमीज नहीं है यार। और ये पत्थर इधर ही से आया, चाहे जहां से भी आया। क्या कोई गाएगा? प्रशासन से निवेदन है कि इधर बहुत सारे आसाराम बापू के चेले खड़े हैं, इन लोगों को थोड़ा सा बढ़िया से व्यवस्था करिए। दो चार ही लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा चर्बी है। क्या तरीका है यार, ये तो आप लोग मजाक बना रहे। ऐसे आप लोग करोगे ना तो सच कह रहा हूं मैं,
कि कोई भी आर्टिस्ट कोई भी कलाकार कहीं कार्यक्रम करने अब नहीं जाएगा। यही दशा हुआ था बलिया में अभी माननीय बड़े भाई पवन सिंह के साथ। किसी भी चीज का एक हद होता है। वो आदमी अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़ के अपना साम्राज्य छोड़ के सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए कोई कलाकार आता है। और आप सबको इतना भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है भाई, आप किसी के फंक्शन को एक पत्थर से बिगाड़ दोगे। मनोरंजन अलग होती है। अगर आपको ज्यादा ही चर्बी है तो आप एक बार आओ मेरे से लड़ लो, चाहे किसी से भी लड़ लो, इतने सारे बाउंसर हैं। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम आप सबसे प्यार करने आए हैं। और हम भी यही अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हमें उतना ही प्यार करिए। आपके प्यार से हम बड़ा हुआ है, चाहे दुनिया का कोई भी कलाकार आपके प्यार से बड़ा होता है। हद हो गई यार इतनी, मतलब और बेकार। बताइए शांति पूर्वक अगर बैठ कर देख लेंगे तो मैं भी एक डेढ़ घंटे में निकल जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा मुझे निकलने में, मैं निकल जाऊंगा। और आपको क्या मिलेगा उससे कि खेसारी को देख रही है, लेकिन खेसारी का दिल सिर्फ आपको दिखाना नहीं। मैं यहाँ चाहता हूँ आप सबके बीच में आया हूँ तो मैं कुछ करके जाऊँ, कुछ गा के जाऊँ, कुछ नाचूं, कुछ बोलूं, कुछ कहूं, आपका सुनूं। मत करिए प्लीज, चाहे ऐसे इधर के लोग हों या इधर के लोग हों, चाहे इधर के लोग हों चाहे किधर के लोग, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खेसारी पसंद नहीं है तो बुलाने गए थे हम तुमको, नहीं ना? अगर खेसारी पसंद नहीं है तो हम बुलाने नहीं गए थे आपको। एक मुखिया, एक आपके पंचायत का मुखिया आया, जितने ये इतने व्यवस्था करने में कम से कम और खेसारी को बुलाने में 50 लाख रुपए का खर्चा होगा, और तुम्हारी औकात 50 रुपए की नहीं होगी जो ढेला चलाया होगा। एक आदमी आपके प्यार के लिए इतना परिश्रम करके खेसारी को बुलाया, इतना सारा स्टेज साउंड लाइट व्यवस्था परमिशन, उस आदमी से पूछो उस आदमी की दशा क्या होगी जो आदमी एक खेसारी को बुलाने में 2 महीने से स्ट्रगल कर रहा है। और आप मुखिया जी की तरफ से बहुत पुरस्कार काहे के पैसा देता नहीं रहुआ, और सही 3 साल से एगो कार्यक्रम करावे खाती इधर आई। ऐसे इंसान को मैंने बहुत कम देखा। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि इतने प्यारे इंसान आप सबके क्षेत्र के मुखिया हैं। मुखिया का मुंह लटक गया। ये 3 साल से इस कार्यक्रम के लिए ये आदमी पागलों की तरह खेसारी को ले जाने के लिए, और मुझे वक्त नहीं दूसरी कोरोना प्रोटोकॉल ये सिस्टम वो सिस्टम, एक आदमी को एक स्टार को बुलाने के लिए कितनी मेहनत होती है अगर आप इस इंसान से मिलिएगा तो समझिएगा। आप लोगों को बहुत आसानी से खेसारी मिल सकता है क्योंकि आपका बेटा है, आपका भाई है, लेकिन आज के तारीख में आसान नहीं है क्योंकि भोजपुरी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने भाषा को और कितना बड़ा करूँ, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से, अपने गायकी के माध्यम से, अपने विचारधारा से। लेकिन मुखिया जी ने जो मेहनत किया है, बहुत ऐसे कम लोग हैं। अभी ये मुखिया हैं, आप लोग ऐसा प्यार दीजिए कि इस क्षेत्र के विधायक बन के घूमे आप सबके बीच में। ऐसे लोगों को हमेशा प्यार करिएगा। भावनाओं में बह गया, भगवान करे कि आप मंत्री बनिए, हम तो यही चाहेंगे ताकि हम हर 5 दिन पर वो यहाँ के प्रोग्राम करते रहे। कुछ हो सके तो कुछ फंड से पैसा और निकाल के दे दीजिएगा मुझे, अगले साल के लिए बायना के रूप में ले लूंगा। आई आज हनुमान जयंती है, तेग हनुमान जी के वंदना बहुत जरूर। हद है यार, सही बात। ये आजकल चल क्या रहा है स्टेज शो में भाई, जिसे नहीं पसंद है ठीक है, जिसे स्टेज शो नहीं पसंद है या जिसे पर्सनली वो आर्टिस्ट नहीं पसंद है तो मत जाओ ना। तुम क्यों आए हो टिकट खरीद के बताओ, मतलब टिकट खरीद के आए हैं भाई साहब स्टेज शो देखने, वहाँ ईंटा पत्थर ले मतलब खरीद लेकर आए थे तुम क्या, और मारा था, सोचो टारगेट करके मारा होगा, जिसको भी टारगेट करके मारा होगा ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली यार स्टार यहाँ पर खेसारी लाल यादव थे तो उन्हीं को टारगेट करके मारा होगा, बट
वो गलती से एक डांसर को लग गया और उस बेचारी का सर फट गया। उसके टाके का पैसा तुम दोगे हैं साले नालायक इंसान? जो भी इस ये ईटा पत्थर चलाए है ना, इन्हें पता नहीं क्या लगता है कि हाँ ये एक ईटा पत्थर चला के किसी का फेम बिगाड़ सकते हैं, किसी का शो बिगाड़ सकते हैं, किसी का एक तुम पता है एक बाल नहीं उखाड़ सकते, लेकिन मतलब अंधेरे में छुप कर वहाँ इतनी सारी भीड़ में खड़ा होकर उसके बाद ईटा पत्थर चलाने की इनकी हिम्मत हो जाती है। हमको कौन ही जानेगा है ना, हमको कौन ही देख पाएगा, हम तो ईटा चलाकर निकल जाएंगे है ना। बेटा आजकल के स्टेज शो में ना चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, चाहे वो छोटा स्टेज शो हो चाहे वो बड़ा स्टेज शो हो, ठीक है? और जब इतना बड़ा स्टार आया है तब तो वहाँ पर कैमरे ऑब्वियसली ज़रूर होंगे। तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं देखा होगा? और चलो कैमरे ना भी लगे हों, वो ऊपर वाला तो हमेशा देखता है। तुम आज किसी और पे ईंटा चला रहे हो, ठीक है, तो कल तुम पर भी ओले बरसेंगे। ये मत सोचना कि हाँ मैं कोई गलत काम करके उसके बाद बच जाऊँगा, कभी नहीं। तुम किसी भी इंसान से बच सकते हो लेकिन तीसरी आँख से कभी नहीं बच पाओगे, ठीक है, कभी नहीं बच पाओगे। और यहाँ पे खेसारी भैया ने सही बिल्कुल सही कहा कि तुम्हारे अंदर अगर इतना सा भी गूदा हो तो जाओ स्टेज पे चढ़ के जाओ, मतलब वहाँ बाउंसर्स इतने खड़े थे, ठीक है, उनमें से किसी एक से ही लड़ लेते, वो जो सबसे पतला वाला था उससे ही लड़ लेते। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी जान थी, बड़ा हिम्मत का काम किए हो, जो बड़ा जोशीला काम कर लिए हो, ये छुप के जो वार करने वाला ये बुजदिलों का कायरों का दो कौड़ी के इंसानों का काम होता है, और वो इंसान साबित कर दिया कि हाँ भैया हम दो कौड़ी के इंसान हैं, तभी हम छुप के भीड़ में खड़े होकर ईंटा पत्थर चलाए हैं। ये पवन सिंह के साथ भी हो चुका है, खेसारी के साथ भी हो चुका है, अभी यहाँ क्या कहेंगे, एक दूसरे के फ़ैन ही हैं जो चला रहे हैं, फैन ऐसा कर रहे हैं और बदनाम कौन हो रहा है, आर्टिस्ट। बहुत सही, क्या बात है, शर्म से डूब के मर जाओ, सूखे कुएं में डूब के मर जाओ सालों, कि हाँ तुम्हें रत्ती भर तमीज नहीं है कि हाँ किसी को भी लग जाए वहाँ पे, है ना, किसको किसका नुकसान हो जाए, किसका क्या हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि तो पिछवाड़े में घुसी पड़ी है, बुद्धि होती तो ऐसा इंसान ऐसा काम थोड़ी ना करते। सो यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। भैया ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।